Dear students, welcome to AS classes. This is Aparajita. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के कंप्यूटर बुक का चैप्टर 1, क्लास 3 पार्ट 1. मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है. तो आइए शुरू करते हैं क्लास 3 के चैप्टर का पार्ट 1. चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर व्हाट इज इट, और उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो टॉपिक्स होंगे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन अ कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर, और यूजेज ऑफ कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द चैप्टर कंप्यूटर व्हाट इज इट. चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ मच इज 2 + 2? करेक्ट, इट इज इक्वल टू 4. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2 और 2 आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? बिल्कुल सही, 4 होगा. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1111 मल्टीप्लाई बाई 11234 मल्टीप्लाइड बाई 4390? नहीं पता ना? फॉर एन इंस्टेंट आंसर यू नीड अ कैलकुलेटर. इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कैलकुलेटर क्या है. व्हाट इज अ कैलकुलेटर? A calculator is an electronic machine which can perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. Calculator तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर में होगा. यह एक electronic device है जो कि mathematical operations करता है. That means ये add, subtract, divide और multiply कर सकता है. अगर आप इसमें number डालेंगे तो ये आपको calculation करके दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल 24 + 127, ये आप ऐड करके देख सकते हैं. 86357 मल्टीप्लाइड बाई 638, इसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है और इसमें कैलकुलेटर अच्छे से दिया हुआ है. इसमें आप बटन्स देखिए, इन बटन्स पे नंबर्स हैं और मैथमेटिकल सिम्बॉल्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एट्सेट्रा. Now let's see here, which one is greater? Students, यहाँ पे दो बड़ी calculations दिए हुए हैं. क्या आप बिना pen और paper के इसे solve कर सकते हैं बिल्कुल seconds में? नहीं, इसके लिए आपको calculator की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन can you draw all the squares at once? क्या आप इन सभी squares को एक ही बार में pencil से बना सकते हैं बिना हाथ उठाए? The answer is no. आप ऐसा नहीं कर सकते. इसके लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे आप बिल्कुल क्विकली और ऑटोमेटिकली अपने आप एक बार में सारे स्क्वायर्स को बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं. विच डिवाइस कैन डू ऑल दिस वर्क्स ईजिली विद इन सेकेंड्स? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सेकेंड्स में बिना हाथ उठाए स्क्वायर्स भी बना देगा और कैलकुलेशंस भी कर देगा? अ कंप्यूटर. यस, अ कंप्यूटर कैन डू ऑल दिस वर्क्स इजीली एंड एफिशिएंटली विद इन सेकेंड्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंप्यूटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो ड्राइंग, कैलकुलेशंस और दूसरे तरह के कामों को भी चुटकियों में कर देता है. कंप्यूटर की पिक्चर को गौर से देखिए. Now here is the page 2 of your book. जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया है वही सब इस पेज में लिखा हुआ है. इसे आप अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं. अब आपने जान लिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो एक बार फिर से कंप्यूटर के डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं. What is a computer? A computer is an electronic device which does mathematical calculations as well as solves other problems. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कर सकता है. साथ ही साथ ये ड्राइंग, टाइपिंग जैसे दूसरे कामों को भी बहुत ही अच्छे और क्विकली हमारे लिए कर सकता है. द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर शब्द कंप्यूट वर्ड से बना है. कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट.
और कंप्यूट का मतलब होता है गिनना या गणना करना। कैलकुलेट मीन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये तो हमने जान लिया कि एक कैलकुलेटर और कंप्यूटर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दोनों ही कैलकुलेशंस करते हैं और दोनों में कीज या बटन्स होते हैं। बट स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर? तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन अ कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर। द स्क्रीन ऑफ अ कैलकुलेटर इज स्मॉलर इन साइज। कैलकुलेटर का स्क्रीन, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्क्रीन बहुत छोटा होता है कैलकुलेटर का, वहाँ पे नंबर्स बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। वेयर एज द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर इज बिगर इन साइज, जबकि एक कंप्यूटर का स्क्रीन साइज में बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे घर पे टेलीविजन होता है। नंबर टू, इट कांट रिटेन द वर्क डन ऑन इट वंस इट इज स्विच्ड ऑफ। कैलकुलेटर में काम करने के बाद अगर उसे बंद कर दिया जाए तो किया गया कैलकुलेशन दोबारा नहीं दिखता। वेयर एज अ कंप्यूटर कैन रिटेन द वर्क डन ऑन इट इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ। जबकि कंप्यूटर में किए गए कामों को उसे बंद करने के बाद भी देखा जा सकता है। जब हम कंप्यूटर बंद करके फिर से खोलते हैं तो वहाँ पे सेव करने के बाद वो फाइल हमें दोबारा दिखती है। दैट मीन्स वी कैन सेव इन अ कंप्यूटर। आइए कुछ और डिफरेंसेस को देखते हैं। नंबर थ्री, अ कैलकुलेटर रिक्वायर्स स्मॉलर बैटरीज टू वर्क। कैलकुलेटर में छोटी छोटी बैटरीज लगी होती हैं और उससे कैलकुलेटर काम करता है। वेयर एज अ कंप्यूटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी और बिगर बैटरीज टू वर्क। जबकि एक कंप्यूटर UPS नाम की बैटरी से या फिर सीधा बिजली से चल सकती है, इसे छोटी छोटी बैटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देते हैं तब ये आपको काम करके दिखाती है। इसके अलावा जब बिजली चली जाए तब भी कंप्यूटर के पास एक UPS होता है जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वह कुछ समय के लिए हमें अपने कामों को करके उसे सेव करने में मदद करता है। नंबर फोर, अ कैलकुलेटर कैन परफॉर्म ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक कैलकुलेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है। वेयर एज अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सॉल्व नॉन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जबकि एक कंप्यूटर मैथ्स के प्रॉब्लम्स के साथ साथ दूसरे कामों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, जैसे कि ड्राइंग, टाइपिंग एप्लीकेशंस, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा। नंबर फाइव, अ कैलकुलेटर कैन नॉट कंपेयर टू थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक कैलकुलेटर में जब हम नंबर्स डालते हैं तो वो एक कैलकुलेशन एक बार में ही कर पाता है, ना कि दो अलग अलग कैलकुलेशंस को साथ में करके उसे तुलना कर सकता है कि उसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू के पिक्चर्स में दिखाया था कि दो बड़े कैलकुलेशंस दिए हुए थे और उसमें बड़े बड़े नंबर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करके सेम टाइम में बताना था कि उनमें से कौन बड़ा है, और वो हम या कैलकुलेटर एक बार में नहीं कर सकते। उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है और बिना टाइम लगाए कंप्यूटर इस काम को कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन मेक लॉजिकल कंपैरिजंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कंप्यूटर के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो इतना फास्ट कैलकुलेशन करता है कि दो बड़े नंबर्स के कैलकुलेशंस को भी वो चुटकियों में करके हमें कंपैरिजन करके, तुलना करके बता सकता है कि कौन बड़ा था और कौन छोटा। नंबर सिक्स, द कीपैड ऑफ अ कैलकुलेटर हैज़ लेसर नंबर ऑफ कीज। आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर में बहुत ही कम कीज होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं 0 to 9 और कुछ मैथमेटिकल साइंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और कुछ और भी सिंबल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। वेयर एज द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ मैनी कीज दैट इंक्लूड्स नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, स्पेशल कीज एट्सेट्रा। जबकि एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं और उसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स,
और दूसरे स्पेशल कीज़ होते हैं, यानी कि सिम्बॉल्स वाले कीज़ होते हैं, और कुछ फंक्शनल कीज़ भी होते हैं। सो कंप्यूटर के बारे में इतनी जानकारी के बाद आते हैं कंप्यूटर्स की कुछ यूजेस को जानते हैं। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ आप कंप्यूटर देखते हैं, और इसे किन कामों में यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग म्यूजिक, टाइपिंग लेटर्स, सेंडिंग मैसेजेस, प्लेइंग गेम्स, मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, टेकिंग स्कूल फीस, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और भी इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं कंप्यूटर्स के, जिसमें कि ये बहुत ही मेन यूजेस हैं जिसमें आप भी काम करते हैं, चाहे आप ड्राइंग बनाते हैं एमएस पेंट में, या फिर गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे डाउनलोड करके, या फिर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, किसी को ईमेल से मैसेजेस भेज सकते हैं। ये सारे काम हम कंप्यूटर पे बेसिकली करते हैं। आपको पता है कि आपके स्कूल में फीस भी कंप्यूटर सिस्टम्स में लिया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कंप्यूटर बहुत सारे यूजेस के साथ हमारे साथ हमेशा रहता है। अब क्योंकि आपने कंप्यूटर का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये पार्ट वन कंप्लीट होने के बाद कुछ होम असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। इसे आप कॉपीज में नोट करेंगे और इसके आंसर्स को वीडियो क्लासेस से देखकर लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। आइए इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। नंबर वन, व्हाट इज़ अ कैलकुलेटर। नंबर टू, विच मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन अ कैलकुलेटर डू। नंबर थ्री, व्हाट इज कंप्यूटर। नंबर फोर, राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन अ कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर। एंड नंबर फाइव, List some uses of a computer. Thanks for watching.